हेलो बच्चों, आज हम काइनेमैटिक्स का ये वन शॉट कंप्लीट रिवीजन वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम एक वीडियो में काइनेमैटिक्स से रिलेटेड क्लास 11th के आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, जिस भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली ये बहुत डिटेल वीडियो नहीं हो सकता। काइनेमैटिक्स पे अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो मेरी पूरी सीरीज है, पूरी एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे काइनेमैटिक्स की, जिसमें करीब 12-13 वीडियोस हमने काइनेमैटिक्स के कर रखे हैं। आज उन्हीं सब वीडियोस में से निकाल के एक समरी की तरह हम पूरा काइनेमैटिक्स यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे विथ सम वेरी गुड क्वेश्चंस, कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल लेके, जिससे कंसेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे शुरू से लेके अंत तक काइनेमैटिक्स में। प्रोजेक्टाइल मोशन को यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। सो चाहे तो आप नोट्स निकाल लें, क्योंकि क्वेश्चंस में कराऊंगा, तो पॉज करके वीडियो को, क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करिएगा, फिर आंसर देखिएगा, मजा आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिए हैं, सब करने की कोशिश की है। यस, माई नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर वेरी ब्यूटिफुल चैनल फिजिक्स वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स वन शॉट कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन। तो बच्चों, काइनेमैटिक्स में जिसमें मोशन के अंदर की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं सारी, तो जो सबसे पहला टर्म है वो आपको पता होगा, उस पर मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। सबको पता है पक्के से, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और डिस्टेंस जो टोटल पाथ कवर्ड है। समझते हैं ना सब लोग? जैसे मान लो मैं ऐसे बना दूं कि ए से बी जाना है और हम इस रास्ते से गए, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। नो मैटर ए से बी आप कैसे भी गए, डिस्प्लेसमेंट यही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। आप ए से बी ऐसे जाओ, आप ए से बी ऐसे जाओ, आप ए से बी ऐसे जाओ, जिस भी रास्ते से जाओ वो डिस्टेंस कहलाएगा, पर डिस्प्लेसमेंट यही रहेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस पर बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे, आपको ये सब पता होगा। अच्छा, अगला टर्म जो हमारे पास आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी। कौन सा टर्म आता है अगला? वेलोसिटी। अब बच्चों, वेलोसिटी हमें दो तरह की दिखाई पड़ेगी, एक होगी हमारी एवरेज वेलोसिटी और एक होगी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब लंबे अंतराल की बात हो, एवरेज मतलब बड़े पीरियड की बात हो, तो एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, पूरा डिस्प्लेसमेंट अपॉन पूरा टाइम। कैसे लिखते हैं हम वेलोसिटी को? v से डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं, s से, तो ये हो जाएगा डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। वेक्टर लगा दिया, बोलो सही है, v इज इक्वल्स टू डेल्टा s बाई डेल्टा t। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी एक गिवन टाइम पर वेलोसिटी, किसी एक क्षण में, किसी एक सेकेंड में, किसी एक जगह पे क्या वेलोसिटी है, इंस्टेंट पे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लिखते हैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds अपॉन छोटा सा टाइम dt, v इज इक्वल्स टू ds बाई dt। देख रखा है सबने ये, v इज इक्वल्स टू ds बाई dt। यहां से एक बात और याद रखनी है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं ds इज इक्वल्स टू v dt, और दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन कर दें तो इस तरफ आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट और इस तरफ v dt का इंटीग्रेशन। तो एक तो ये फॉर्मूला आपने कई बार देख रखा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, और एक ये लिख लो s इज इक्वल्स टू v dt का इंटीग्रेशन। बोलो यही चीज है, इसको इंटीग्रेट करोगे ds को, क्या आ जाएगा? s इज इक्वल्स टू इंटीग्रल v dt। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अच्छा, जिस तरह से हम वेलोसिटी देखते हैं, ऐसे ही एक टर्म आता है वेलोसिटी जैसा, स्पीड है ना, वेलोसिटी जैसा ही होता है, उसको हम बोलते हैं स्पीड। क्या डिफरेंस होता है? ये स्केलर होता है, ये वेक्टर होता है, इसमें डायरेक्शन वगैरह होता है, इसमें डायरेक्शन वगैरह नहीं होता है। स्पीड भी हमारे पास दो तरह की होगी। पहले तो समझो स्पीड है क्या। स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।
यानी अगर वेलोसिटी निकाल ली है तो स्पीड बहुत आसानी से आ जाएगी। वेलोसिटी का मॉड निकाल दें, मैग्नीट्यूड निकाल दें वेलोसिटी का, दैट इज स्पीड। मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पिछले वीडियो में आपने देखा वन शॉट वेक्टर में, उस तरह से जैसा भी दिया हो वेक्टर फॉर्म में हो, वी एक्स वी वाई हो, तो जैसे तैसे आप मॉड वी कर दोगे तो आपको मिल जाएगा स्पीड। याद है अगर एक्स वाई में दिया हो तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर ऐसे कर देंगे, और जेड भी हो तो अंडर रूट वी जेड स्क्वायर से कर देंगे तो स्पीड मिल जाएगी। जैसे एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वैसे ही बच्चों एवरेज स्पीड के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टर्म होता है, सबको रियलाइज है ये बात। तो यहां से आपको इतने फॉर्मूले मिले, एक दो तीन चार फॉर्मूले मिले। पहला मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, फिर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दो में डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस तो पूरी पाथ। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। वेलोसिटी का ये फॉर्मूला 100% करेक्ट रहेगा किसी भी सिचुएशन में, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला 100% करेक्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किसी भी सिचुएशन में। और अगर यहीं से हम डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी लगाएं, डी एस को इंटीग्रेट करें तो ऐसा आया इंटीग्रल वी डी टी। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है और वेलोसिटी पूछे तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, अगर वेलोसिटी दिया हो डिस्प्लेसमेंट पूछे तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। तो इतनी बात नोट करें, इतनों में से क्या क्वेश्चन बन सकता है पहले देखें, इतनी बात में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अरे बन सकता है भाई, देखा जाए कुछ सवाल हम लेके आए, डिस्कस किया जाए। स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। कैसे हैं आप लोग, कैसा जा रहा है दिन, मजा आने वाला है इस वीडियो में, खूब ढेर सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और छोटे छोटे और अच्छे 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 क्वेश्चंस लेंगे। मिटा दें इसको, मिटा दें, नोट कर लिया आपने, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो हम क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं एवरेज वेलोसिटी वाले कंसेप्ट पे, एवरेज वेलोसिटी वाले कंसेप्ट पे। तो बढ़िया सवाल है, हमसे बोला कि एक बॉडी है जो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा समझा दे रहा हूं, एक बॉडी है जो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, उस डिस्टेंस का वन थर्ड पार्ट, वन थर्ड डिस्टेंस उसने कवर किया एट 2 मीटर पर सेकेंड, वन थर्ड डिस्टेंस कवर किया एट 3 मीटर पर सेकेंड, और जितना रिमेनिंग डिस्टेंस था, जितना भी अब रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो कवर किया एट 6 मीटर पर सेकेंड। देखो एक बॉडी है जो एक बड़े डिस्टेंस को कवर कर रही है तीन अलग अलग स्पीड से, पहला एक तिहाई हिस्सा 2 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा एक तिहाई हिस्सा 3 मीटर पर सेकेंड से, और बचा हुआ हिस्सा 6 मीटर पर सेकेंड से, बचा हुआ पार्ट एट 6 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। अब यहां पे एवरेज वेलोसिटी और स्पीड सेम चीज है क्योंकि बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, डायरेक्शन चेंज करता तो दोनों में डिफरेंस आता। सोचे कैसे करेंगे, पॉज करके, जब भी क्वेश्चन दूं तो उसको पॉज करके खुद से करेंगे। दूसरे के कंधे पे सिर्फ जनाजे जाते हैं, जनाजे है ना, तो खुद से ट्राई करो। हो गया, चलिए मैं करने जा रहा हूं। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बहुत बढ़िया, यहां टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ओए होए पता ही नहीं, टोटल टाइम भी नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम एक्स मान लें, टोटल डिस्टेंस को एक्स मान लें, एक्स को उसने वन थर्ड तो बचा हुआ भी वन थर्ड होगा, यानी तीन अलग अलग स्पीड से कवर किया। ये डिस्टेंस है एक्स बाई थ्री, ये है एक्स बाई थ्री, ये है एक्स बाई थ्री, बराबर बराबर हिस्से में पहले उसने तोड़ा, ये वाला कवर किया 2 मीटर पर सेकेंड, ये कवर किया 3 मीटर पर सेकेंड, ये कवर किया 6 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है एक्स अपॉन टोटल टाइम। बच्चों यहां कुछ टाइम लगेगा, यहां कुछ लगेगा, यहां टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पे टाइम हो जाएगा, टोटल टाइम निकालना, यहां का टाइम मान लो टी वन, यहां का टाइम मान लो टी टू, यहां टाइम मान लो
T3. तो टोटल टाइम विल बी T1 प्लस T2 प्लस T3. बोलो सही है. सो x अपॉन, अब T1 यहां कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी x by 3 by 2. यहां कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x by 3 by 3. और तीसरे वाले में x by 3 by 6. बोलो सही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहां से नीचे x by 3 कॉमन बचेगा 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6. x से x मर जाएगा, 3 ऊपर आ गया. नीचे 1 by 2 1 by 3 1 by 6 एलसीएम हो जाएगा 6. 1 by 2 1 by 3 1 by 6 6. यहां आ जाएगा 3, यहां 2, यहां 1. 3 2 5 1 6 6 से 6 मर गया. फाइनल आंसर आया 3. सो द एवरेज वेलोसिटी और द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 3 meter per second. क्लियर, कितने लोग का आ गया था, बहुत बहुत बधाई हो. आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ. कंसेप्ट क्लियर हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा था, एक्स मान लिया, तीन हिस्सों में तोड़ लिया, x by 3 x 1 by 3 1 by 3, तो बचा हुआ भी 1 by 3 होगा. फिर टोटल डिस्टेंस x, टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड. बहुत बढ़िया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि स्पीड निकालने का सवाल है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है. मतलब चलो करते हैं क्वेश्चन. एक बॉडी ऐसे मूव कर रही है कि वो दो डायमेंशन का मोशन कर रही है, 2D मोशन कर रही है, ठीक है. 2D मोशन भी आ गया, कोई डरने की बात नहीं, नॉर्मल सारी काइनेमेटिक्स के रूल लगाओगे, 1D हो, 2D हो, 3D हो, सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना. कोई नया चमत्कार थोड़ी ना हो जाएगा यार, वही लगेगा. तो 2D मोशन है, x में मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5 sin 10t, और y में मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5 cos 10t, ऐसा कुछ लिखा है. यानी जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, x डायरेक्शन का, और y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी टाइम पे डिपेंडेंट है. हमसे पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल है, बॉडी है, जो भी है, एट t इज इक्वल्स टू 2 seconds एंड t इज इक्वल्स टू 5 seconds. पॉज करके खुद से ट्राई करें, कर लिया, मैं सॉल्व करूं, सारे कंसेप्ट कवर करने की कोशिश की जा रही है, कर लिया, मैं सॉल्व करूं, 2 सेकंड पे 5 सेकंड पे अलग अलग आ रहा कि सेम आंसर, ट्राई कर लें, सेम आंसर आएगा, यहां पे सेम आंसर आएगा, दोनों टाइम स्पीड सेम आएगी. आओ करते हैं. तो यहां पे x में भी डिस्प्लेसमेंट है, y में भी, तो दो तरह की वेलोसिटी निकलेगी. एक निकलेगी vx, कैसे आएगी, dx by dt. एक आएगी vy, क्या हो जाएगी, dy by dt. तो vx निकालें, vx कैसे निकलेगा, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके, 5 sin 10t, तो 5 cos 10t, साइन का डिफ्रेंशिएशन, और यहां पे जो चीज है वो बाहर आ जाएगी डिफ्रेंशिएट करने पे, इंटू 10, डिफ्रेंशिएशन तो आपको आता होगा, तो ये हो गया 50 cos 10t. इसी तरह से vy, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 5 sin 10t हो जाएगा ये, और जो अंदर है 10 वो बाहर आ जाएगा, सो दिस विल बी 50 sin 10t. तो ये तो वेलोसिटी x में आई और y में, हमें क्या चाहिए, स्पीड. तो स्पीड का फॉर्मूला बोलो, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और vz यहां पे दिखाई नहीं पड़ रहा तो नहीं होगा, यानी अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 50 स्क्वायर cos स्क्वायर 10t, 50 स्क्वायर sin स्क्वायर 10t, दोनों में से 50 स्क्वायर कॉमन होगा, अंडर रूट में ये हो जाएगा cos square 10t प्लस sin square 10t, कितना हो जाएगा 1 cos square theta प्लस sin square theta 1, तो 50 स्क्वायर रूट के अंदर बाहर आ गया 50 meter per second. अब ध्यान से देखो, स्पीड टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब चाहे 2 seconds पे स्पीड पूछे चाहे 5 seconds पे, आंसर होगा 50. क्लियर है, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी निकाल ली x की और y की. ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको मेंस में दिख सकते हैं, नीट में दिख सकते हैं. यहां पे क्या होगा, x की जगह लिख देगा अल्फा t, यहां y की जगह बीटा t स्क्वायर, इस तरह से देगा. हो सकता हो जो स्पीड आए वो टाइम पे डिपेंडेंट हो, बिल्कुल हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना टाइम पे डिपेंडेंट ना हो, सकता हो डिपेंडेंट हो, तो वैल्यू रख देंगे. करने का प्रोसीजर यही रहेगा, जरूरी थोड़ी ना हमेशा टाइम से इंडिपेंडेंट हो,
हो सकता है टाइम पे डिपेंड करे। क्लियर है, मिटा रहा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो v इज इक्वल्स टू ds बाई dt यूज करना भी आपको आ गया। कुछ और आपको यूज करना सिखाया जाए। चलिए एक बढ़िया सवाल ले लेते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर थ्री आज का, क्वेश्चन नंबर थ्री। मान लीजिए हमसे कहता है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है सच दैट v इज इक्वल्स टू अल्फा रूट x, वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। एक पार्टिकल मूव कर रहा है वेयर v इज इक्वल्स टू अल्फा रूट x, और अल्फा को ये बोलते हैं कि कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है। हमसे पूछा है हाउ विल डिस्प्लेसमेंट यानी x डिपेंड्स अपॉन, हाउ विल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन टाइम। ऑप्शन दे रखा है t पे डिपेंड कर रहा, t स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा, t की पावर माइनस वन पे या t क्यूब पे। चलिए सोचिए, पॉज करिए, ट्राई करिए, सोचिए पॉज करिए और ट्राई करिए। हाउ विल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन t, कर लिया, हो गया। मैं करूं, चलिए मैं कर स्टार्ट करूं। ओके प्यारे बच्चों, यहां पे देखो v और x का रिलेशन दिया है और पूछ रहा है x और t का क्या किया जाए, क्या किया जाए। v इज इक्वल्स टू अल्फा रूट x, क्या मैं v को dx बाई dt लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। इज इक्वल्स टू अल्फा रूट x, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, कुछ इसमें दम नहीं बचा। dx के साथ x को लाने की कोशिश करो तो dx अपॉन रूट x इज इक्वल्स टू अल्फा dt। कुछ नहीं, इसके बाद इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। भाई इंटीग्रेट करेंगे, देखो इधर dt से t बन जाएगा, dx का x बन जाएगा। इंटीग्रेट क्यों किया? क्योंकि इधर x का टर्म चाहिए, इधर t का। इंटीग्रेट कर दो dt से t, dx से x बन सकता है। अच्छा इसको इंटीग्रेट करोगे, ये क्या लिखा है, एक्चुअल में लिखा है x की पावर माइनस हाफ dx, और ये है अल्फा dt का इंटीग्रेशन। x की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन x की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, कहां से कहां दिया नहीं है, इनडेफिनेट हो गया। इज इक्वल्स टू अल्फा बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t, साथ में एक कांस्टेंट c लगा देंगे क्योंकि इनडेफिनेट है, कहां से कहां इंटीग्रेशन है स्पेसिफाइड नहीं है। x की पावर माइनस हाफ प्लस वन यानी x की पावर हाफ हो जाएगा, और ये नीचे आएगा हाफ इज इक्वल्स टू अल्फा t प्लस c। x की पावर हाफ का मतलब रूट x, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 रूट x इज इक्वल्स टू अल्फा t प्लस c। हमसे पूछा है x कैसे डिपेंड कर रहा t पे, तो x कैसे डिपेंड कर रहा t पे, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा x, और इधर अल्फा t का क्या करोगे, अल्फा t प्लस c का स्क्वायर, यानी x किस पे डिपेंड कर रहा, t के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा। सो आंसर विल बी बी। अब आप कहोगे सर एक्सपैंड करेंगे तो एक टी स्क्वायर आएगा, एक टी का टर्म भी आएगा, तो जो बड़ी पावर होती है उस पर हम ध्यान देते हैं। बड़ी पावर क्या है, टी का स्क्वायर। जैसे आप कह रहे हैं टी स्क्वायर भी आ रहा प्लस टी भी आ रहा, तो टी स्क्वायर हम देखेंगे क्योंकि वो बड़ा पॉलीनोमियल है, बड़ा पावर है, तो ओवरऑल इट डिपेंड्स अपॉन टी स्क्वायर। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम पे एक डेटा गिवन रहता है कि इनिशियली पार्टिकल इज एट ओरिजिन, कई बार लिखा होता है इनिशियली पार्टिकल इज एट ओरिजिन, ऐसा बोल देता, यानी जब t की वैल्यू जीरो है तब x की वैल्यू जीरो होगी। इनिशियली पार्टिकल, अभी आगे मिलेगा, पार्टिकल इज एट ओरिजिन, यानी जब t की वैल्यू जीरो तो x की वैल्यू जीरो, जिसका मतलब c की वैल्यू जीरो, तब ये डायरेक्ट t स्क्वायर ही आता। आगे बढ़ा जाए, बात क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया। तो यहां तक हमने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्वेश्चन करा दिया, एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन करा दिया, स्पीड निकालना भी बता दिया। चलिए अब एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अगला वेरिएबल जो हमारा है वो है हमारा प्रिय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन सब लोग समझते हैं क्या होता है, जब चेंज इन वेलोसिटी होता है तब एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन भी हमको दो प्रकार के मिलेंगे, एक मिलेगा एवरेज एक्सेलरेशन, जो कि होगा सिंपल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एवरेज इसलिए बोला, एक लंबे इंटरवल में, है ना, काफी बड़े टाइम पीरियड में निकाला। और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, छोटे से टाइम पीरियड का, छोटे से टाइम पीरियड में निकालोगे तो लिख दोगे dv by dt। क्लियर है? तो एक फॉर्मूला ये आया हमारे पास अब, dv by dt।
एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला 100% टाइम करेक्ट होगा, ये हो सकता हो कभी करेक्ट ना हो, ये हमेशा करेक्ट होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt। यहां से आप ये भी लिख सकते हो dv इज इक्वल्स टू a dt का इंटीग्रेशन, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, चेंज इन वेलोसिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ a dt। सवाल किया जाए इस पे, सवाल किया जाए, पहले एक आसान सा सवाल लेते हैं जिसमें अंदर छिपे कई कंसेप्ट होंगे, जिससे पिछला वाला कंसेप्ट भी क्लियर होगा और ये वाला भी। एक सवाल लिया जाए, चलिए एक सवाल लेते हैं। इफ एक पार्टिकल के लिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, फोर्थ, ठीक है, 10-12 सवाल कराएंगे। इफ फॉर अ पार्टिकल द डिस्प्लेसमेंट एस इज गिवन एज टी क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 4, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 4, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सोचिए आराम से। मैं हिंट दे दूं, डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ds बाई dt, और एक्सेलरेशन के बारे में भी कहानी, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv बाई dt। सोचिए और करिए, पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करें, खुद से जरूर ट्राई करें। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, करूं मैं, चलिए v is ds by dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, 4 का डिफरेंशिएशन 0। फिर एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा क्योंकि बोला है जब एक्सेलरेशन 0 है कुछ बात हो रही है। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 6t, 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6t माइनस 12। बोला है वेलोसिटी तब निकालो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। तो एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, यहां से हम बोलते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो, यानी 6t माइनस 12 जीरो, यानी t की वैल्यू आएगी 2 सेकंड्स। बोलो सही है, यानी t की वैल्यू जब 2 सेकंड्स है ना, तभी हमें वेलोसिटी निकालनी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन जीरो, यानी t जब 2 है। सो आपको निकालनी है वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। तो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में t की वैल्यू 2 रख दो, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, कितना हो गया, 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 इज 12 माइनस 24 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। बोलो सही है, सो फाइनल आंसर इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन इज 0 माइनस 9 मीटर पर सेकेंड। जितने लोग का आ गया बधाइयां, जितनों का नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे, कभी ना कभी तो हल होगा ही। क्लियर है, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। देखो छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। एक बार क्या हुआ कि बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था मेरा, ठीक है, सुबह सुबह एक जमाना था इंटरव्यू देते थे भाई, सब लोग देते हैं, कॉलेज के बाद की बात है। तो इंटरव्यू का था समय सुबह का, समझ लो करीब 10-11 बज रहा था, दूसरी सिटी गए थे और इंटरव्यू होने वाला था। अब हमको क्या है, हमको कराना था शेविंग, है ना, यहाँ पे बहुत ढेर सारी स्टबल थी। अब ये सब बहुत वहाँ, मतलब अभी तुमको लग रहा है मजाक की बात है, उस टाइम जान निकलती थी इसमें। अब हम वहाँ पे जहाँ पे भी रुके थे, फिर वहाँ से हम सुबह सुबह पहुँचे थे किसी तरह से, गिरते पड़ते सुबह 8-9 बजे 10 बजे इंटरव्यू, फिर वहाँ से हम बाहर निकले। अब दूसरे शहर में कोई आइडिया नहीं, वहाँ कोई ऑटो नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, फिर हम पैदल पैदल दौड़ रहे हैं कहीं पे हमको सलून मिल जाए। बारिश स्टार्ट हो गई, अब हम सोचे सलून कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, अब तो नहीं मिलेगा। टाइम बीता जा रहा है। तो बात ये, चलते रहो, हार नहीं मानो। मैं चलता रहा पैदल, छोटा सा इंसिडेंस है, चलता रहा, और मेरे दिल टूट रहा है कि उधर इंटरव्यू छूटेगा। मैंने कहा नहीं, बिना शेफ के जाऊँगा तो भी निकल जाऊँगा बाहर, भाई वो पहले ही इमेज खराब पड़ जाएगी। चलता रहा, भाई साहब इतना बुरा दिन था वो, चलते बच्चों इतना बुरा दिन था, मतलब एकदम ही उम्मीद टूट रही थी, मुझे लग रहा था मिलेगा। फिर एक सलून मिला, वहाँ पे वो सलून वाले वो बिजी रहते हैं, कॉमन चीज़ है भाई, इतने पैसे वाले थोड़ी ना कि बहुत अमीर जगह, नॉर्मल गए थे, बोलता है भाई आधे घंटे बाद आना।
फिर वहां से निकले, फिर आगे चले चले चले, इस तरह करते करते 1-2 किलोमीटर करीब पैदल पैदल गए थे और जान अटक गई थी, पर चलता रहा मैं और कहीं भी मेरी स्पीड चलने की कम नहीं हुई। मुझे पता था मुझे इंटरव्यू में पहुंचना है, मैं चलता रहा। तो ये सब चीज़ें लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो सबक देके जाती हैं। तब मतलब एक चीज़ वहाँ से ये पकड़ ली हमने कि मतलब हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, चलते रहो। हुआ सैलून में मेरा सब काम भी हुआ, शेव भी हुआ, उसके बाद मेरे को वहाँ से फिर बस भी मिली, अगले चौराहे पे उतरे, एक लंबी कहानी, फिर पहुँचे इंटरव्यू, रिजेक्ट हो गए फाइनली। पर ये तो पहुँचे तो ना। अच्छा हुआ रिजेक्ट हो गया, खैर मिटा दें इसको। अच्छा, सो अगर नहीं हो रहा एक बार में तो वहां से हारने की जरूरत नहीं है, करते रहो। और ये छोटी छोटी चीज़ में अपनी लाइफ है ना, थोड़ी डिटरमाइंड टाइप के रहो कि छोड़ो मत चीज़ों को आसानी से, कोई भी चीज़ हो उस पर पीछे पड़े रहो। ना मिलना तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर ट्राई करना एकदम जान लगा के ना। मतलब मैं चलता रहा, हिम्मत टूट रही थी, चलता रहा पैदल देते। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन ये कराया आपको मैंने, अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा अच्छा सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया सवाल। If speed of a particle v is given as log x, ऐसे स्पीड दी है, v is equals to log x, where v is again velocity of particle and x is again displacement of particle. ध्यान से सुनना। Find the value of x at which net force on particle is zero. ऑप्शन दे रखा है आपको, 0-1, 1+2। ट्राई करें, एक्स की वो वैल्यू निकालें जिसपे पार्टिकल पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो। सोचें, बढ़िया सवाल है एकदम। सोचें कैसे करें यार, पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो, एफ नेट जीरो, फोर्स जीरो मतलब पार्टिकल पे नेट एक्सेलरेशन जीरो है कि नहीं। अच्छा सर, एक्सेलरेशन यहां कैसे आएगा, कैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, चलो यहीं से आगे बढ़ते हैं, कहानी यही तो लिखा है, जो लिखा है उससे इंटरप्रेट करते हैं आगे कहानी। तो हमसे बोल रहा है एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, यहां यार टाइम है ही नहीं, यहां वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला आपको याद रहता है dv/dt। एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और रट लो, vdv/dx, इस पर बहुत सवाल दिखेंगे, अच्छे सवाल यहीं से बनते हैं, vdv/dx, नोट करो, दोनों 100% टाइम करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट 100% टाइम, vdv/dx, ये भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, a = dv/dt, ऊपर dx से मल्टीप्लाई, नीचे dx से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, dx/dt क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी, vdv/dx। तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, vdv/dx, शायद इससे काम बन जाए, क्योंकि यहां वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में नहीं, x के टर्म्स में दी है, और ये dv/dx यानी वेलोसिटी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। एक काम करते हैं, dv/dx निकाल लेते हैं, dv/dx यानी वेलोसिटी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, dv/dx, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे log x का डिफरेंशिएशन 1/x, एक्सेलरेशन vdv/dx, ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का याद रखेंगे आज से, vdv/dx जब वेलोसिटी और x रिलेटेड दिखें। देखो भागो नहीं, वेलोसिटी और t जब रिलेटेड हो तब एक्सेलरेशन ऐसे निकलेगा dv/dt से, वेलोसिटी और x कभी रिलेट कर दे, ध्यान से सुन लो, 2004 में सवाल भी आया इसका आईटी में, ग्राफ को मिला के पूछा था, वेलोसिटी और टाइम रिलेटेड हो तो dv/dt करो, पर वेलोसिटी और x रिलेटेड हो और एक्सेलरेशन पूछा हो तो dv/dx, समझ रहे हो, वेलोसिटी टाइम के साथ कुछ रिलेशन दिया है, v is equals, जैसे पिछले क्वेश्चन में कुछ आया था t², तब एक्सेलरेशन कैसे निकाला था, dv/dt, पर वेलोसिटी अगर x के साथ जुड़ा है और एक्सेलरेशन भी चाहिए तो यही वाला फॉर्मूला काम आएगा, vdv/dx।
अच्छा आ जाओ, सो ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, वी कितना है लॉग एक्स, और डी वी बाई डी एक्स कितना आ रहा है एक्स, और एक्सक्लेरेशन कितना बोल रहे हैं ये जीरो, क्योंकि नेट फोर जीरो है ना। अब भाई साहब ये टर्म जीरो कब होगा, जब लॉग एक्स जीरो है कि नहीं, इधर जाके जीरो हो गया, जब लॉग एक्स जीरो, अच्छा लॉग एक्स जीरो कब होता है, जब एक्स की वैल्यू कितनी हो वन है ना, लॉग वन टू एनी बेसिस जीरो, पढ़ा होगा ना, वन के ऊपर कोई भी बेस लगा दो, वन का लॉग किसी भी बेस पे हो, ई हो, टेन हो, सौ हो, तुम हो, कोई भी हो, जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी वन, तो सी इज करेक्ट, एक्स की वैल्यू वन। तो यहां से आपको एक एक्सक्लेरेशन का ये फॉर्मूला मिल रहा है जिसको आप याद रखेंगे, डी वी बाई डी टी तब लगाओ जब वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन हो, और वेलोसिटी और एक्स के रिलेशन से एक्सक्लेरेशन पूछे तो वी डी वी बाई डी एक्स, मिटा दे, ओके। और सवाल कराने यहीं से कि आगे बढ़े अगले कंसेप्ट पे, एक और सवाल करा देते हैं, बहुत प्यारा सवाल है, उसमें आपके और भी कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी तक आपने क्या ही पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा कि वेलोसिटी का फॉर्मूला है डी एस बाई डी टी, और क्या पढ़ा आपने, आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और आपने पढ़ ली एवरेज वेलोसिटी वगैरह का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और आपने क्या पढ़ा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस अपॉन, तेज तो नहीं हो रहा, रिवीजन है थोड़ा तेज तो रहेगा, यही सब तो पढ़ा, v इज इक्वल टू डी एस बाई टी, और एक चीज़ और पढ़ी कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इंटीग्रल v डी टी कर दो, फिर एक्सक्लेरेशन पढ़ा डी वी बाई डी टी, और एक्सक्लेरेशन का एक और फॉर्मूला पढ़ा v डी वी बाई डी एक्स, और अगर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रल a डी टी कर दो, यहाँ से dv इज इक्वल टू a डी टी का इंटीग्रेशन चेंज इन वेलोसिटी। इतनी चीजें अभी तक आपने पढ़ी, क्लियर है, इतने फॉर्मूले आपने पढ़े। चलिए अगला सवाल लेते हैं, इन्हीं में से कोई फॉर्मूले यूज होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 लिया जाए, इतनी बातें पढ़ ली आपने, तैयार है इतनी चीजें। हाँ तो भाई हमसे सवाल कहा कि किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रही है, अ फोर्स एफ इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, और ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है 3t² - 4t + 1, फोर्स टाइम पे डिपेंडेंट है, इट इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ऑन अ बॉडी जिसका मास 1 kg है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बिटवीन 0 to 2 seconds, और हमको कह रहा है कि इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट एट ओरिजिन। चलो भाई देखते हैं कौन कर देगा, इतने ही फॉर्मूले इस्तेमाल होने हैं इस सवाल में भी, देखते हैं कौन खुद से सॉल्व कर लेगा बिना मेरे सॉल्व कराए। सर आप बीच बीच में कहाँ जाते हो, मैं कैमरा देखने आता हूँ बच्चों, यह कैमरे में सब क्लैरिटी है, हाँ सर सारी क्लैरिटी है, बताएं हो गया, इतने ही फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे इसमें, खुद से जरूर ट्राई करा करें क्वेश्चन। ये रही मेरी प्यारी सी लॉन्ग, चले मैं सॉल्व करूं, ओके। तो भाई हमको फोर्स दे रखा है और कहानी पूछ रहा है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, तो यार हमको डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचना है और कहानी फोर्स से स्टार्ट है, क्या करें क्या करें, फोर्स से निकालते हैं एक्सक्लेरेशन, एक्सक्लेरेशन से निकालते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी से निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, बोलो सही है, फोर्स से आ जाएगा एक्सक्लेरेशन, एक्सक्लेरेशन से आएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, यही प्रोसीजर होगा। तो एक्सक्लेरेशन सबसे पहले निकालो, क्या हो जाएगा फोर्स बाई मास, मास कितना है 1 3t² - 4t + 1 डिवाइड बाई 1, तो यही आ जाएगा ना, अरे यही चीज़ आ जाएगी। अच्छा फिर हमसे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे तभी तो डिस्प्लेसमेंट पहुंचेंगे। तो हमने कहा डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ए डी टी, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो उल्टा प्रोसीजर है, पहले डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाला था क्वेश्चन नंबर 4 में शायद हुआ था ऐसे। इस क्वेश्चन में क्या है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। अच्छा कहां से कहां, आप देखो इसमें लिमिट रखनी होगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन,
तो हम एक काम कर लेते हैं, पहला यहाँ पे लिमिट रख लेते हैं टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो, इधर टाइम की लिमिट रखोगे इधर वेलोसिटी की। जब टाइम जीरो है तब वेलोसिटी कितनी है देखो, दे रखा है इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट। क्या बात है, इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, क्या बात है, यानी जब टाइम जीरो है तब वेलोसिटी भी जीरो है। इधर वेलोसिटी की लिमिट रखोगे इधर टाइम की, तो जब टाइम जीरो है इनिशियली, इनिशियली मतलब टी इज इक्वल्स टू जीरो पे, इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट मतलब वेलोसिटी जीरो। फिर मान लेते हैं टी टाइम पे वेलोसिटी वी हो गई, डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी, लिमिट लग जाएगी जीरो से वी, ए डी टी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सो ए डी टी का इंटीग्रेशन बोलो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में। थ्री टी स्क्वायर का हो जाएगा थ्री टी क्यूब बाई थ्री, बोलो सही है, टी की पावर टू है तो टी की पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन। माइनस फोर टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा फोर टी स्क्वायर बाई टू, बोलो सही है, टी की पावर वन है तो टी की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, और वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी कहाँ से कहाँ, जीरो से टी। ये हो जाएगा v माइनस जीरो, यानी v ही आएगा, v माइनस जीरो है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर, थ्री से थ्री कैंसिल, टी क्यूब टू टू ज़ा फोर टू टी स्क्वायर प्लस टी। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बन गया टी क्यूब माइनस टू टी स्क्वायर प्लस टी। पूछ कह रहा है हमसे डिस्प्लेसमेंट, अब ये फॉर्मूला यूज कर लो, s इज इक्वल्स टू इंटीग्रल v dt, s इज इक्वल्स टू इंटीग्रल v dt, इसको मिटा दो, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन जीरो टू टू सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन जीरो टू टू सेकेंड्स, तो s इज इक्वल्स टू इंटीग्रल v dt। अच्छा ऐसे लिखा जाए इसको, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से देखो ऐसे लिखा जाए, ds इज इक्वल्स टू v dt का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट, जीरो से टू सेकेंड्स तक। यहाँ वेरिएबल देखो, देखो कौन है, टाइम, वेलोसिटी नहीं है, टाइम है, ये होता है वेरिएबल, यानी टाइम जब जीरो है और टाइम जब टू है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ पहुँचा है, जीरो से टू। देखो क्या किया, पहले हमने फोर्स से एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाली, लिमिट लगा दी जब टाइम जीरो तो रेस्ट पे, टाइम टी तो वेलोसिटी भी, फिर हमने वेलोसिटी रख के डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहा, अभी भी वेरिएबल डी टी है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, जब टाइम जीरो है तब पार्टिकल कहाँ पे था, ओरिजिन पे, इनिशियली एट रेस्ट एट ओरिजिन, यानी डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, इंपॉर्टेंट बात, वहां लिखा था ना इनिशियली पार्टिकल इज एट रेस्ट एट ओरिजिन, तो जब टाइम जीरो है इनिशियली तो पार्टिकल ओरिजिन पे, ठीक है, और जब टाइम टू हुआ तो डिस्प्लेसमेंट को एस मान लो, हमें नहीं पता कितना है, और इंटीग्रेट कर दें, ds का इंटीग्रेशन होगा s जीरो से s, v dt इसका इंटीग्रेशन यानी वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, t क्यूब का इंटीग्रेशन होगा t की पावर 4 बाई 4, 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 2t क्यूब बाई 3 है ना, पावर एक बढ़ जाएगी 2t प्लस, सॉरी t की पावर 2 है 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ करना है 0 से 2 तक, ये हो जाएगा s माइनस 0, यहाँ 2 रखोगे 2 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस ये 2 रखोगे तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 बाई 3 प्लस 2 की पावर 2 बाई 2, तो ये हो गया 16 बटे 4, 16 बटे 3 प्लस 8 बटे 2, 4 बटे 2 सॉरी 4 बटे 2, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2, 6 माइनस 16 बटे 3, एलसीएम हो गया 3, 3 6 18 माइनस 16 2 बाय 3 मीटर्स। सो द फाइनल आंसर इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम कहां से कहां, 0 से 2 सेकेंड्स इज 2 बाय 3 मीटर्स। बोलिए क्लियर हुआ कंसेप्ट, तो इस तरह के सवाल इतने फॉर्मूले से बन सकते थे, और भी घुमाए जा सकती हैं बातें, अब रिविजन वीडियो है तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम एकदम ही गुज जाएंगे, है ना, डिटेल वीडियोज हैं उसके लिए, इस तरह के सवाल यहां से बन सकते थे, इतना वेरिएशन हो सकता है, मिटारा जाए इसको। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कहानी को, हम चलते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड की तरफ, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड की तरफ, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड।
तो बच्चों अगर आपसे कोई बोले कि s इज इक्वल्स टू, कोई एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इसका, टी क्यूब माइनस, कौन सा था जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का था, 60² + 3t + 4, मान लो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला, ऐसी एक्सप्रेशन लिया। आपसे पूछे फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट ही मिलता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड, ये एस ना, इक्वेशन ऑफ मोशन का एस ना कहाँ गया, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। हाँ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन, आपसे मान लो बोल दे, सपोज आपसे बोल दे 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट कब, t इज इक्वल्स टू 2 पे, तो यहाँ 2 रख दो, तो 2³ - 6 × 2² + 3 × 2 + 4, ठीक है, तो ये 8 माइनस जो भी है, 4² = 24 + 6 + 4 जो भी आ रहा है आपका, 6 × 4 = 10 = 18 - 24 - 6 मीटर, ठीक है, जो भी आ रहा हो, जहाँ से भी जो भी आंसर, इससे मतलब नहीं, अभी समझा रहे कंसेप्ट, 6, 4, 10, 18 - 24, ये क्या था, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स। अगर आपसे पूछ ले फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, सेकेंड nth सेकेंड, सेकेंड वाले सेकेंड में, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये तो 2 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये ऐसे है, 0 से लेके 2 सेकेंड्स में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वाला जो निकाला है, पूछ क्या रहा है डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, सेकेंड कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1, 100% करेक्ट फॉर्मूला, कभी गलत नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड मतलब पर्टिकुलर उस सेकेंड, सेकेंड में कितना चले, सेकेंड, सेकेंड मतलब 1 से लेके 2, अब ये पूछ रहा है कि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना चले, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, तो कैसे निकाला, डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1, मतलब ये कहने का है, इसको मैं मिटा दूं, मतलब ये कहने का है, इसी की जरूरत नहीं थी, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, सेकेंड अगर आपको निकालना है पर्टिकुलर, तो डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स निकालो माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 1, देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स 0 से लेके 2 का निकाला, इसमें से डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड 0 से लेके 1 वाला इसमें से माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस, ये डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, ये क्या मिला बचा हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, सेकेंड यही तो सेकेंड, 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 सेकेंड मतलब 1 से लेके 2 सेकेंड्स तक, और फील देते हैं, कोई और वैल्यू ले लो, धीमे धीमे फील आएगी, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स, यानी अगर आपसे 4th सेकेंड की बात करें तो आप 0 से 4 तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो डिस्प्लेसमेंट इन 4, और 0 से 3 तक का भी डिस्प्लेसमेंट निकालो डिस्प्लेसमेंट इन 3, और इसमें से ये माइनस कर दो, तो ये जो आएगा ये क्या है, यही तो 4th सेकेंड है, 3 से लेकर 4 तक, 4th सेकेंड, नहीं समझे, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड इज डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स, क्या बचा, डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड, इसमें से ये माइनस कर दिया, आखिरी सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो nth सेकंड का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड, क्लियर है, क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, मान लो बोले डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकंड, तो 7 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, उसमें से 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दो, बचा कितना, वो आखिरी सेकंड का बचा 6 से 7 में, वही है डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड, फील आ गया, अच्छा बहुत बढ़िया, इसका सवाल चाहो तो कर सकते थे यहीं पे, मान लो अब सवाल क्या है, क्वेश्चन बना के मैं दे दूं, क्वेश्चन नंबर 7 बना के मैं दे दूं, s इज इक्वल टू, मान लो दे दिया t² + 2, हमसे कहा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड, अब बच्चा गलती क्या करेगा एग्जाम में, डिस्प्लेसमेंट 3rd सेकंड के 3 लिखाएगा, 3² + 2 9 + 2 11, जो कि गलत हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन 3rd सेकंड बोला है, तो 3rd सेकंड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन 3 माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2, क्लियर है, तो पहले 3 सेकंड में निकालो, 3² + 2 11,
फिर 2 सेकेंड्स में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, फाइनल आंसर इज 5। बोलो सही है। पहले t की जगह 3 रखा तो 3 सेकेंड्स का आया स्क्वायर प्लस वन, फिर t की जगह 2 रखा 2 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6 5। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस वन, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, एक फॉर्मूला आपने और पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस वन। इतने फॉर्मूले आप नोट कर लो, फिर हम चलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की तरफ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की तरफ। इतनी चीजें आप नोट कर लें। नोट कर लिया। चलिए हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो बच्चों जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो क्या ये सारी चीजें झूठी हो जाती हैं जो अभी तक पढ़ा? नहीं, ये सारी चीजें तो सच्ची रहती ही हैं। पर जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो ना तो थोड़ा सा हमारे पास एक शॉर्टकट है, कुछ फॉर्मुलेस दे रखे हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो तब हमारे पास तीन बढ़िया सी इक्वेशन है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें आप टर्म्स की मीनिंग जानते हैं, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन जब तक एक्सेलरेशन हुआ, s डिस्प्लेसमेंट। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती तो हैं, पर ये हमेशा ट्रू नहीं होती। ये इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों तभी ट्रू होंगी जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो, और ये हमेशा ट्रू, पर ये हमेशा ट्रू नहीं होती। ये तब ही ट्रू होंगी जब क्वेश्चन में लिखा हो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, जब पेपर में लिखा हो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है तभी इसको लगाएंगे। क्लियर है? सवाल देखे जाए, इतनी चीजें मिटा रहे हम बोर्ड से, सब देखी हुई चीजें। चलिए सवाल देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर एट हमसे कह रहा है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, देखो, फॉर 30 सेकेंड्स, इट कवर्स x1 डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, x2 डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, एंड x3 डिस्टेंस इन लास्ट 10 सेकेंड्स। फाइंड रेशियो ऑफ x1:x2:x3। ट्राई करें। फाइंड रेशियो ऑफ x1:x2:x3। ट्राई करें। x1:x2:x3। बताएं, किया जाए इसको भाई? तो यहां पे शायद इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड हो, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब u की वैल्यू 0 है। सबसे पहले x1 की बात करें, x1 कितनी देर में? इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स। तो x1 डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए तो पता नहीं, t कितना है 10 का स्क्वायर। फिर x2 डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। अब ये कैसे किया जाए? अगले 10 सेकेंड की कहानी तो पता नहीं, तो हम एक काम करते हैं, शुरू से 20 सेकेंड ले लेते हैं। शुरू से 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? देखो 10 सेकेंड में x1 है, 20 सेकेंड में x1 प्लस x2 हो जाएगा, और 30 सेकेंड में x1 प्लस x2 प्लस x3। बोल सकते हैं ऐसा, 10 सेकेंड में x1, 20 सेकेंड में x1 प्लस x2। तो अगर हम 20 सेकेंड की बात करें तो हम बोल सकते हैं x1 प्लस x2, u तो 0, हाफ a, t कितना हो गया 20 का स्क्वायर। इधर से हम 30 सेकेंड की बात करें तो x1 प्लस x2 प्लस x3, s
इज इक्वल्स टू यू टी, यू तो जीरो है, हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं मोशन, यू जीरो हर बार। पहले 10 सेकंड की बात की, फिर 20 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट, 30 सेकंड में इतना, हाफ ए और टी की जगह 30 का स्क्वायर, बोले सही। तो एक्स वन की वैल्यू तो मिल गई मेरे को, हमको एक्स टू चाहिए और एक्स थ्री चाहिए। अच्छा, ये हाफ ए हाफ ए हाफ ए सब में है, इसकी जगह कुछ कॉन्स्टेंट के वे लिख लिया जाए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अच्छा नहीं लग रहा, हाफ ए हाफ ए हाफ ए, तो हाफ ए की जगह मैं के लिख देता हूँ। तो अब यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ साइड में, एक्स वन इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर यानी 100, 100 के एक्स वन प्लस एक्स टू इज 20 स्क्वायर 400, इसको के बोल देते हैं, 400 के एक्स वन इज 100 के, एक्स वन प्लस एक्स टू इज 400 के, और एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री कितना हो गया, इसको के बोला, 30 का स्क्वायर 900, 900 के। यहां से आप एक्स टू एक्स थ्री आराम से निकाल सकते हो, एक्स टू निकालना है, इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, 400 माइनस 100 300 के, और एक्स थ्री चाहिए तो इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, एक्स वन एक्स टू कैंसिल, एक्स थ्री की वैल्यू आ गई 900 माइनस 400 500 के। यू हैव टू फाइंड एक्स वन इज टू एक्स टू इज टू एक्स थ्री, बोलिए आ रहा है भाई साहब, एक्स थ्री चाहिए था, इसमें से ये माइनस कर दो, तो 30 का स्क्वायर 900 के माइनस 400 के 500 के, एक्स टू चाहिए इसमें से ये माइनस कर दो, 400 के माइनस 100 के 300 के, तो ये हो गया 100 के, ये हो गया 300 के, ये हो गया 500 के, के डबल जीरो कैंसिल, के डबल जीरो कैंसिल, के डबल जीरो कैंसिल, 1:3:5। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के क्वेश्चन में आप यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट हमेशा यूज करना गलत हो जाए। अब देखो, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को मिलाकर जो सवाल बन सकता है, मिटा दें इसको। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को मिला के जो सवाल बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 7 था ये, क्वेश्चन नंबर 8th, शायद गिनती इधर थोड़ी हो जाए, 8th। अब क्या सवाल है कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड, अब देखो एक नया फॉर्मूला भी देंगे अभी हम, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। बाकी कुछ नहीं बताया हमें, बाकी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है, ट्राई करेंगे आप, ट्राई करें, 4/3, 5/7, 3/4, 7/5, ट्राई करें। थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड, समझ रहे हो, nth सेकेंड की भी बात कर ली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की भी, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करें। चलिए मैं करूं, ओके ओके। तो हम मान लेते हैं कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है, तो मानना क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन को, ए मान लो। तो हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड का रेशियो डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड के साथ, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड को हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 3 माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 2, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ को हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन 4 माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3, बोलो सही है। nth सेकंड का मतलब n माइनस n माइनस, फोर्थ सेकंड का चाहिए तो 4 का ले लो और उसमें से 3 का माइनस कर दो, 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट लेके उसमें से 3 का माइनस कर दिया, फोर्थ सेकंड का खत्म है, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स। भाई साहब यहां डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अगर हम बनाएं इस क्वेश्चन में, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यू जीरो है, तो एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर, यही बनेगा। तो एस इन 3 हाफ ए टी की वैल्यू कितनी, 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस हाफ ए कितने देर में, 2 सेकेंड्स में, टी की वैल्यू
टू, टू का स्क्वायर फोर, नीचे हाफ ए डिस्प्लेसमेंट इन फोर सेकेंड्स, टी की वैल्यू फोर सोलह, माइनस हाफ ए टी की वैल्यू तीन, तीन का स्क्वायर नौ, बोलो आ रहा तीन सेकेंड्स बोला है ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये बनेगा ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू जीरो हो गया, तीन सेकेंड में पूछा है तो टी की जगह तीन रख दिया, तीन का स्क्वायर नौ, दो सेकेंड पूछा दो रखा टू का स्क्वायर फोर, चार सेकेंड में ठीक है, यहाँ से हाफ ए हाफ ए हाफ ए कैंसिल, नौ माइनस चार पाँच, हाफ ए हाफ ए यहाँ से कॉमन हुआ यहाँ कॉमन कैंसिल, नौ माइनस चार पाँच, सोलह माइनस नौ सात, तो पाँच बटे सात ऑप्शन में, क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ, थ्री माइनस टू फोर्थ एस फोर माइनस एस थ्री, फोर सेकेंड्स में माइनस थ्री सेकेंड्स में, क्लियर है, थ्री के लिए हमने वहाँ थ्री रख दिया, टू के लिए टू रख दिया, फोर के लिए फोर, इस क्वेश्चन करने का एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट यह है कि अगर यूनिफॉर्म एस्कलरेशन दे रखा है, मिटा दे, अगर यूनिफॉर्म एस्कलरेशन दे रखा है, देन देखो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का एक जनरल फॉर्मूला तो यह है एस एन माइनस एस एन माइनस वन, ये तो ऑलवेज करेक्ट है, एक फॉर्मूला इसका और है डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड का, वो है u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, ये सिर्फ तभी वैलिड है जब यूनिफॉर्म एस्कलरेशन हो, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, खटाक से, जैसे डिस्प्लेसमेंट इन क्या बोला था यहां क्वेश्चन, इन थर्ड सेकेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड, फॉर्मूला लगा दो थर्ड सेकेंड के लिए, यहाँ इनकी वैल्यू थ्री, यू तो जीरो हो गया, ए बाई टू एन की वैल्यू कितनी रखी थ्री, समझ रहे हो क्या फॉर्मूला है, यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड का, ये वाला हमेशा सही है और ये सिर्फ यूनिफॉर्म एस्कलेशन का, यू की वैल्यू जीरो, ए बाई टू एन की जगह थ्री, टू थ्री जा सिक्स माइनस वन फाइव, नीचे भी फोर्थ सेकेंड के लिए फोर रखा, यू की वैल्यू जीरो, ए बाई टू एन की जगह फोर, टू फोर जा एट माइनस वन सेवन, फाइव बाई सेवन, तो डिस्प्लेसमेंट इन एन एच सेकेंड का ये भी सही फॉर्मूला है, ये भी सही फॉर्मूला है, ठीक है, ये लगेगा यूनिफॉर्म एस्कलेशन में, वो हमेशा नोट कर लें, चलिए क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ा जाए, कहानी आगे बढ़ाई जाए, ये कब लगाना है, जब यूनिफॉर्म एस्कलेशन भी हो, देखो आईटी स्क्रीनिंग में एक बार 2004 या 5 का सवाल एक बार आया था, थोड़ा सा इसी रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं कि अ ब्लॉक स्लाइड्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन, फाइंड रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन n प्लस वन एथ सेकेंड, ये सवाल पूछा था, ट्राई करेंगे nth सेकेंड अपॉन n प्लस वन एथ सेकेंड, पॉज करके ट्राई करें, 2004 या 5 आईआईटी स्क्रीनिंग का सवाल था, हाँ भाई तो सर यहाँ पे क्यों ये सवाल करा रहे हैं, क्योंकि nth सेकेंड का भी है बच्चों और ये यूनिफॉर्म एस्कलेशन का भी है, अगर आप इंक्लाइन प्लेन को देखो तो इंक्लाइन प्लेन पे कोई फ्रिक्शन नहीं बोला, मान लो ये ब्लॉक है तो इंक्लाइन प्लेन पे इस तरफ कितनी फोर्स लगती है, सबने पढ़ रखा होगा एम जी साइन थीटा, यही फोर्स लगती है इस तरफ, अगर ये एंगल थीटा हो तो, अगर ये फोर्स लगती है तो एस्कलेशन कितना हो जाएगा, एस्कलेशन हो जाएगा जी साइन थीटा, एम से कैंसिल कर दोगे ना, ये फोर्स है एस्कलेशन हो जाएगा, मास से डिवाइड किया जी साइन थीटा, यानी इंक्लाइन प्लेन पे जो नीचे की तरफ एस्कलेशन आ रहा है जी साइन थीटा, वो एक कांस्टेंट एस्कलेशन है, अरे भाई इंक्लाइन प्लेन का एंगल तो चेंज हो नहीं जाएगा, अचानक से चेंज तो होगा नहीं, एस्कलेशन ड्यू टू की ग्रेविटी की वैल्यू भी इतनी कम हाइट में तो चेंज होनी नहीं है, कॉन्स्टेंट मानेंगे, यानी ये यूनिफॉर्म एस्कलेशन का केस है,
तो एक तो यूनिफॉर्म एस्केलरेशन हो गया है कि नहीं, पक्का पहले करो एस्केलरेशन जी साइन थीटा कांस्टेंट, और दूसरा एनएथ सेकंड पूछ रहा है, तो क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एस एनएथ का इस टाइम, यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, लगा दीजिए यहाँ पे स्लाइड्स डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन। तो रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, यू की वैल्यू जीरो, ए बाई टू, ए की वैल्यू रखने की जरूरत भी नहीं, टू एन माइनस वन नीचे, यू प्लस ए बाई टू, एन की जगह कितना है एन प्लस वन, तो यहाँ पे टू एन प्लस वन माइनस वन, बोलो सही है, पहली बार एन एथ सेकेंड का है, दूसरी बार एन प्लस वन है, तो एन की जगह एन प्लस वन है, ये कैंसिल हो गया, टू एन माइनस वन, टू एन प्लस टू माइनस वन, टू एन माइनस वन, टू एन प्लस वन, यही आंसर भी था, क्लियर है। तो ये nth सेकेंड का क्वेश्चन हुआ, और यूनिफॉर्म एस्केलरेशन हमने खुद से सोचा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे एस्केलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एस्केलरेशन वाले सवालों को भी हम बंद करते हैं, और nth सेकेंड वाले सवालों को भी रोक देते हैं, और अब करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी पे चर्चा थोड़ी सी, मोशन अंडर ग्रेविटी पे। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, अभी प्रोजेक्टाइल की पूरी बात नहीं करेंगे, एट एन एंगल की बात नहीं करेंगे, ये भी प्रोजेक्टाइल ही होता है वैसे मोशन अंडर ग्रेविटी, अभी हम बात करेंगे कि सीधा वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड वाले की। तो बच्चों ये जो मोशन है इसमें जो एस्केलरेशन होता है वो जी होता है, प्लस माइनस होता है भी देख लेंगे, मतलब जो एस्केलरेशन है वो कॉन्स्टेंट है, यानी ये भी केस किसका है, किसका है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, ये भी केस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, बस फर्क क्या होगा, फर्क क्या होगा कि थोड़ा सा आपको वेक्टर समझना होगा यहाँ पे, डायरेक्शन, यानी तीनों इक्वेशन यहाँ वैलिड है, कौन सी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस, सब वैलिड है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको वेक्टर की कहानी समझनी होगी, जैसे ये एस्केलरेशन माइनस जी होगा, कैसे समझो, मान लो ये कोई टार बिल्डिंग या कुछ है, ठीक है, कोई टार है, कोई बिल्डिंग है कुछ है, और ये ग्राउंड है, मान लो ग्राउंड से हमने टार की तरफ नीचे से कोई चीज़ ऊपर फेंकी, तो जब हम नीचे से कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, ऊपर, तो ये ऊपर वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे, तो यहाँ वेलोसिटी कैसी हुई, पॉजिटिव, जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, ऊपर के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, पर एस्केलरेशन किधर लगेगा, ग्रेविटी तो नीचे ही लगेगी, ये बॉल चाहे ऊपर जाए, बॉल स्टोन जो भी है, और चाहे ये नीचे आए, जी तो हमेशा नीचे लगना है, यानी ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी, बस यहाँ यही चीज़ समझनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी जब स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो स्पीड पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, पर एस्केलरेशन नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे ही खींच रही है। दूसरा केस देख लो, यहाँ यही चीज़ देखनी है, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, नीचे को नेगेटिव, फिर से ये टार ले लिया, ये मैंने ग्राउंड ले लिया, ठीक है, मान लो यहाँ से हमने बॉल को नीचे फेंका, तो इस बार वेलोसिटी कैसी हो गई, नेगेटिव, नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, और एस्केलरेशन तो माइनस जी ही होगा, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ, एस्केलरेशन इज माइनस जी ऑलवेज, एस्केलरेशन तो हमेशा नीचे लग रहा है, बस ये बातें ध्यान रख के आपको यहाँ पे वैल्यूज रखनी है। अब यहाँ बात अलग है, डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट वगैरह देने लगेगा, है ना, यही सब कहानी में चेंज करेगा, बाकी यही मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ध्यान में ये वेक्टर वाली बातें रखनी है कि अगर कोई चीज़ ऊपर फेंकी जा रही है तो उसकी स्पीड पॉजिटिव, कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो उसका डिस्टेंस भी पॉजिटिव, कोई चीज़ नीचे आ रही है तो उसका डिस्टेंस भी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और नीचे आते वक्त उसकी वेलोसिटी भी नेगेटिव, एस्केलरेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, इतनी बातें ध्यान में रखनी, इसको नोट करें तो इसके सवाल कर लेते हैं हम लोग दो तीन ठो। यहाँ तक समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, मिटा दिया जाए इसको, बहुत बढ़िया भाई। चलिए तो इस पर हम सीधा सवाल ले लेते हैं, 2013 या 14 मेंस का सवाल था आईआईटी का, क्या दिया था उन्होंने क्वेश्चन, कि यहां पे एक टार है,
ठीक है, आईआईटी का ही सवाल था 2014 में इसका शायद। यहाँ पे एक टार है, ये मैंने करा रखा था, यहाँ से एक स्टोन मैंने ऊपर की तरफ फेंका यू वेलोसिटी से, कहाँ से, टार से, टावर की हाइट से, ठीक है, यहाँ से एक स्टोन मैंने ऊपर की तरफ फेंका यू वेलोसिटी से, टार की हाइट दी है एच, और हमसे एक कहानी बताई है, द टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू रीच ग्राउंड इज एन टाइम्स द टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट, द टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू रीच ग्राउंड, देखो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आके ग्राउंड पे लड़ेगा, इज एन टाइम्स द टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मान लो पहुंचता है एक सेकेंड में और नीचे आता है मान लो चार सेकेंड में, तो बोल रहे हैं ये इसका एन गुना है ना, पहले एक सेकेंड में ऊपर जाएगा फिर एक सेकेंड में यहाँ नीचे आएगा फिर और नीचे गिरेगा, तो ये यही बात बता रहे हैं कि जितनी देर में ऊपर गया और टोटल जितने नीचे आया ये इसका एन गुना होगा, ये हमसे बोल रहे हैं, ठीक है, एन टाइम्स लग रहा है। चलिए ट्राई करेंगे, यहां से यहां टी टाइम में गया तो यहां से पूरा यहां एन टाइम ऑफ टी में आया। सवाल क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एच यू एन, इनके बीच में क्या रिलेशन है, चार ऑप्शन आई टी में दे रखे थे, एच यू एन को जोड़ना है आपस में आपको, एच यू एंड एन, ट्राई करेंगे पॉज करके, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे, कर लिया, चलिए मैं सॉल्व करूं। ओके, पहले बात करते हैं कि वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, अच्छा जब यहां से मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है तो उसकी इनिशियल स्पीड प्लस यू, ऊपर की तरफ जा रहा, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो रुक गया यानी वहां जाके स्पीड जीरो, पूरे रास्ते में एक्सेलरेशन माइनस जी, टाइम मान लेते हैं लगा टी, तो हम बोलेंगे वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी जीरो यू यू एक जगह माइनस जी टी, टी इज इक्वल्स टू यू बाई जी, ये टाइम लगा। अब बात करते हैं ग्राउंड तक आने में, टू रीच ग्राउंड स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से ग्राउंड, स्टार्टिंग से ग्राउंड की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू क्योंकि शुरू में पॉजिटिव ऊपर फेंका, एक्सेलरेशन की बात करें तो माइनस जी, चाहे ये ऊपर जाए चाहे ये नीचे आए। दूसरा वाला है टू रीच ग्राउंड, दूसरा वाला देखो ये समय है पूरा, पहला वाला सिर्फ ये समय था यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक का समय था, तो यहाँ तक के समय को आपने टी बोला, और दूसरा वाला समय कितना आना चाहिए, द टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू रीच ग्राउंड इज एन टाइम्स द टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू रीच मैक्सिमम हाइट, मतलब ये वाला टाइम आपने टी लिया तो टोटल टाइम कितना आना चाहिए एन टी, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो टाइम लगेगा वो एन टी, और एक्सेलरेशन माइनस जी यहाँ 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 पूरे में, डिस्प्लेसमेंट इस वाले में कितना हुआ, यहाँ से चले यहाँ गए फिर यहाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, इनिशियल यहाँ है फाइनल यहाँ है तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। हम तो वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसे ऊपर जाएगा ऐसे नीचे, तो बनाया ऐसे ना, तो ऐसे ऊपर जाके ऐसे नीचे गिरेगा, तो बनाने के लिए सुंदर सा बनाया, बॉल तो ऐसे ऊपर जाके ऐसे वर्टिकली चलेगी ना, वर्टिकल की बात हो रही है। सो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो इनिशियल ये है फाइनल ये है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है एच, इससे कोई मतलब ही नहीं होगा। सो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है माइनस एच, अब माइनस क्यों बोला, क्योंकि इनिशियल पॉइंट यहाँ है फाइनल यहाँ है, तो ओवरऑल तो हम नीचे गिरे ना, ये मत सोचो कि बॉल ऊपर गई, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इनिशियल से फाइनल लिख लो, अगर डिस्प्लेसमेंट का मतलब नहीं पता ऐसे मत लिखना, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो हम यहां से यहां आए ना, ओवरऑल गए ऊपर ऊपर बात अलग है, ओवरऑल तो हम यहां से यहां पहुंचे ना, तो माइनस एच। अब यहां से एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की जगह माइनस एच, यू टी की जगह एन टी, टी डैश बोल दो, एन टी
प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी और टी की जगह एन टी का स्क्वायर माइनस एच इज इक्वल टू यू एन और टी की जगह यू बाई जी माइनस हाफ जी एन स्क्वायर और टी की जगह यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी रिलेशन है एच यू एन का मिल जाएगा। वहां से एच इज इक्वल्स टू माइनस एन यू स्क्वायर बाई जी प्लस एन यू स्क्वायर बाई टू जी, बोले ये आएगा। यहाँ से माइनस इधर लेकर ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, जी से एक जी कैंसिल हो गया, है ना, वहाँ पे जी से एक जी कैंसिल हुआ, एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई टू जी, एन स्क्वायर यू स्क्वायर बाई टू जी और ये एन यू स्क्वायर बाई जी। यहाँ से h इज इक्वल्स टू एल सी एम लिया 2g, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस टू एन यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यू स्क्वायर, 2g इधर आया, 2g h इज इक्वल्स टू यहाँ से कॉमन हो जाएगा एन यू स्क्वायर, एन यू स्क्वायर इसमें भी, एन यू स्क्वायर इसमें भी, एन यू स्क्वायर इसमें भी, एन यू स्क्वायर इसमें, ये माइनस टू ये n, तो बचा n माइनस टू। दिस इज द फाइनल आंसर। 2g h इधर आया, एन यू स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बचा माइनस टू, यहाँ बचा एन, एन माइनस टू। क्लियर? तो इस तरह से आपको टैकल करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले सवाल। कुछ गई बात दिमाग में? कुछ समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, मिटा दे इसको। ओके, तो सारी इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए, सब यहाँ पे यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड थोड़ा सा आप वेक्टर वगैरह का ध्यान रखें यहाँ पे कि कौन सी चीज ऊपर जा रही नीचे जा रही। इसका ये हो गया हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी का कहानी। इसके बाद क्या बचता है इसमें? इसके बाद इसमें बचता है ग्राफ्स। ग्राफ्स की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, ग्राफ्स की बात। तो बच्चों ग्राफ्स जो बनते हैं वो बनते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के। कई बार ग्राफ बना देता है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्सेलरेशन का, ये भी कर देता है ना, ऐसा भी कर देता है खेल हमारे साथ। और क्या बना देता है? वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेशन बना देता है ना, कई बार हमारा वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट बना देता है। तो इस तरह से खेल होते हैं बेसिकली। तो ये तीन ग्राफ ज़्यादा फेमस होते हैं, एस टी, वी टी और ए टी, फेमस तो ये ज़्यादा होते हैं, बट खेल वो कुछ भी कर सकते हैं हमसे, किसी भी दो क्वांटिटी को उठा के प्लॉट कर देंगे। जैसे मान लो हमसे बता दिया एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो, किसी भी दो क्वांटिटी को उठा के खेल सकता है। तीन, दो, पाँच, दो, सात, दो, नौ, नौ तरह के ग्राफ बन सकते हैं, टोटल टोटल नाइन टाइप्स के ग्राफ बन सकते हैं। इस पर मैंने पूरा लेक्चर कर रखा है ग्राफ पे, अभी शॉर्ट में समझाते हैं हम। नौ तरह के ग्राफ बन सकते हैं। अब आपको एक तो स्लोप की जानकारी अच्छी होनी चाहिए और ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देखता हूँ एस वर्सेस टी का। बेसिकली फेमस तो ये सबसे ज़्यादा होते हैं, एस टी, वी टी और ए टी, सवाल भी यहीं से ज़्यादा आए हुए हैं, पर कभी कदार ना ये सब छू लेता है, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। देखो एस टी ग्राफ की बात करते हैं। मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसी बॉडी का ऐसे दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि टाइम बढ़ रहा है पर डिस्प्लेसमेंट रुका हुआ है, मतलब बॉडी रेस्ट पे है और बॉडी की वेलोसिटी जीरो है। दूसरा ग्राफ देखो, मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बना दिया, इसका मतलब क्या है कि टाइम बढ़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। और वेलोसिटी के बारे में क्या कहेंगे बच्चों? वेलोसिटी होता है डी एस बाई डी टी, और डी एस बाई डी टी इस ग्राफ की स्लोप भी है। इस ग्राफ की स्लोप अगर तुम ध्यान से देखो तो दो बातें समझ में आएगी, इसको स्लोप बोलते हैं, इसको स्लोप बोलते हैं, इसको स्लोप बोलते हैं, एंगल को। इस ग्राफ की स्लोप को ध्यान से देखो तो पहली बात तो यह है कि स्लोप कांस्टेंट है, और दूसरी बात यह है कि स्लोप पॉजिटिव है, यानी यहाँ बॉडी की जो भी वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी और बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में बॉडी जा रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? जैसे मान लो ग्राफ ये बना दिया, यही सब आपको एनालाइज करना आना चाहिए एस वर्सेस टी में। मान लो ऐसे बना दिया, इसका मतलब क्या है? यहां पे भी स्लोप देखो कांस्टेंट है, स्लोप चेंज नहीं हो रही है ना, यानी यहां पे भी वेलोसिटी कांस्टेंट तो है, बस यहां पे स्लोप नेगेटिव है। देखो ये वाली जो स्लोप होती है पॉजिटिव, ये वाली स्लोप नेगेटिव, ऐसे
स्लोप ये दे रहा है, समझ रहे हो? यानी यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव में कांस्टेंट है, बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, बॉडी का जो मोशन होता है वो वेलोसिटी से पता चलता है। यहाँ बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव, ये पॉजिटिव स्लोप, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इसी मान लो कई बार ऐसा वेरिएशन कर देता है, ये अब ये क्या हुआ, यहां स्लोप कांस्टेंट नहीं है, देखो यहां पे एंगल कुछ और है थीटा, और यहां पे एंगल कुछ और हो गया, ये थीटा वन कह लो थीटा टू। तो आप देख रहे हो यहां थीटा बढ़ रहा है, थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, यानी स्लोप इंक्रीज कर रही है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यहां स्लोप पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। पॉजिटिव वेलोसिटी कब बढ़ती जाएगी, जब यहां पे एस्केलरेशन हो। इसमें कोई एस्केलरेशन है, इधर तो वेलोसिटी जीरो, इसमें कोई एस्केलरेशन होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, एस्केलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, एस्केलरेशन जीरो। देखो सब कुछ निकल आएगा, एक एसटी ग्राफ के अंदर सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी। यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां एस वर्सेस टी, ऐसे मतलब टाइम धीमे बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट तेजी से बढ़ रहा है, यानी इस ग्राफ की जो स्लोप है वो बढ़ती जा रही है। और ग्राफ की स्लोप क्या है, डीएस बाई डीटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप है वेलोसिटी, यानी यहाँ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और पॉजिटिव भी है। तो पॉजिटिव वेलोसिटी कब बढ़ेगी, जब मेरे पास एक पॉजिटिव एस्केलरेशन है। वेलोसिटी इंक्रीज तभी करेगी जब इन दोनों का साइन सेम हो, ये चीज चाहो तो लिख लो, वेलोसिटी इंक्रीज तभी करेगी, इंक्रीज तभी करेगी जब एस्केलरेशन एंड वेलोसिटी हैव सेम साइन, दोनों नेगेटिव होते तो भी वेलोसिटी इंक्रीज करती। बहुत बना सकते हैं यार, अनगिनत, इसमें कोई मतलब लिमिट नहीं, हम कितनी भी चीजें बना सकते हैं। अगर आपको लॉजिक समझ में आ रही है तभी आप सवाल कर पाओगे, डिटेल लेक्चर इस पे किया है मैंने। अब अगर आपको वो नहीं पकड़ में आ रहा एकदम, तो डिटेल लेक्चर पे जाना पड़ेगा, आपको टाइप करना पड़ेगा ग्राफ्स काइनेमेटिक्स फिजिक्स वाला। मान लो ऐसा ग्राफ बना दिया मैंने, पहले इसे बनाया था वैसे, अब इसमें क्या हो रहा है, डेफिनेटली ये भी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी तो है नहीं, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी तो होता है सुंदर सा। ये क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने लाइन खींची तो स्लोप ये रही थीटा वन, और यहाँ पे लाइन खींची तो स्लोप ये रही थीटा टू, यानी इस बार आप देखो तो थीटा टू इज लेस देन थीटा वन, यानी स्लोप डिक्रीज कर रही है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। दूसरी बात, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव भी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है, स्लोप तो ऐसी है, वेलोसिटी पॉजिटिव। वेलोसिटी का पॉजिटिव नेगेटिव होना इस पर डिपेंड करेगा। देखो जो ऐसे लाइन खींचती है पॉजिटिव स्लोप, ऐसे खींचती है नेगेटिव स्लोप, है ना। ऐसे समझ सकते हो कि ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, आराम से गलत नहीं बताएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है, अगर वो 90 से छोटा है तो स्लोप पॉजिटिव, और अगर वो 90 से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव। देखो यहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है दैट इज ग्रेटर देन 90, इसका मतलब होता है स्लोप नेगेटिव। जैसे यहां पे देखो पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बन रहा है वो क्या है, लेस देन 90, तो स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। ग्राफ क्लियर हो रहा है, यह एंगल देखो धीमे धीमे कम होता जा रहा है, पहले एंगल देखो बहुत ज्यादा है, टेंशन नहीं, आराम से समझो। देखो ए ऐसे ऐसे, यहां पे देखो ये एंगल बहुत ज्यादा है, फिर बाद में देखो एंगल कम होता जा रहा है, झुकता जा रहा है, और है कैसी स्लोप, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव तो है, स्लोप पॉजिटिव तो है, पर दिक्कत क्या है कि स्लोप यहां पे डिक्रीज कर रही है, ऐसे खड़ी स्लोप, फिर गिरी 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 गिरती जा रही है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब एस्केलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है वैल्यू वाइज, तो मतलब एस्केलरेशन और वेलोसिटी हैव डिफरेंट साइज। देखो इसको समझाने बहुत तरीके हैं सब बताने के, वेलोसिटी डिक्रीज मतलब एस्केलरेशन एंड वेलोसिटी हैव डिफरेंट साइन, छोटी बातें। यहां वेलोसिटी की वैल्यू धीमे धीमे कम हो रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव तो है बट उसकी वैल्यू धीमे धीमे कम हो रही है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज करी, यानी वेलोसिटी और एस्केलेशन का साइन अलग अलग होगा, जरूरी नहीं कि एस्केलेशन नेगेटिव हो, नहीं 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 नहीं, बस वेलोसिटी से अलग साइन होगा। अगर वेलोसिटी नेगेटिव होती तो एस्केलेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब बॉडी पीछे जा रही होती तो एस्केलेशन इधर, वेलोसिटी को कम करता जाता। वेलोसिटी डिक्रीज का मतलब एस्केलेशन वेलोसिटी हैव डिफरेंट साइन,
वेलोसिटी इंक्रीज का मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी हैव सेम साइन। सो समझने का एक और तरीका होता है बहुत कुछ है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कॉनकेव अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कॉनकेव डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। जैसे याद करना चाहो वैसे याद कर लो, कोई खत्म नहीं हुए इसमें एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट टाइम में, करते जाओ करते जाओ। ग्राफ में अगर आपको कंसेप्ट आ गया तो आप खेलते जाओ, अगर आप रट के गए हो तो फिर तो हालत खराब हो जाएगी। जैसे मान लो, ध्यान से देखना क्या करने जा रहा हूं मैं, कुछ नया करते हैं। ए ए ए मान लो ये ग्राफ बना दिया। अब आपको ये ग्राफ देखे किसी ने कहा, ये ग्राफ किसी ने देखे कहा कि भाई प्रोबेबल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका क्या बनेगा। बढ़िया सवाल हो गया, चार ऑप्शन दे दिए कि इसमें से कौन सा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सही है। ठीक है, मान लो आपको चार ऑप्शन दे दिए इसके एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के, मल्टीपल करेक्ट है मान लो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, बी सी डी, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। मान लो चार ऑप्शन दे दिए, बोला इसमें से इसका कौन सा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो सकता है, एमसीक्यू दे दिया बढ़िया, इसमें से कौन सा हो सकता है। ग्राफ एनालाइज करना आता होगा तो आप ये क्वेश्चन खटाक से, एडवांस लेवल का सवाल है ये, मेंस का भी नहीं है। बढ़िया एडवांस लेवल का सवाल है कि इसमें से इसका प्रोबेबल एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कौन सा है। देखो कंसेप्ट लगाओ, कंसेप्ट लगाओ, ए ऐसे बना है, कंसेप्ट लगाओ, ए यहां से देखो जुम्बा रे जुम्बा रे जूम। वैसे तो बहुत शॉर्ट में बता सकते थे, शॉर्ट में तो हम ये बोल देंगे कि देखो इसका कॉनकेव कैसा है, कॉनकेव कैसा है, अपवर्ड है। शॉर्ट में तो हम ऐसे बताएंगे कि यार इसका कॉनकेव अपवर्ड है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। यहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां जीरो है, दूसरे में नेगेटिव है, तीसरे में नेगेटिव एक्सेलरेशन है, चौथे में जीरो दिखा रहा है, चौथे में ये बोल रहा है एक्सेलरेशन। करेक्ट, डिटेल में समझना है कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखो स्लोप बनी और यहां से देखो ये स्लोप बनी, तो ध्यान से देखो एंगल डिक्रीज कर रहा है, पहले देखो एंगल कितना ज्यादा है, बाद में देखो एंगल कम हो रहा है, मतलब साफ सी बात है कि स्लोप डिक्रीज कर रही है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। अच्छा, स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव, खुचुक खुचुक, ये वाली लाइन मतलब नेगेटिव, ये मतलब पॉजिटिव, यानी स्लोप हमारी नेगेटिव है, यानी वेलोसिटी हमारी नेगेटिव, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीज मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी हैव डिफरेंट साइन, वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। देख रहा है खुचुक खुचुक बनाया, स्लोप ज्यादा थी स्लोप कम हुई, स्लोप ज्यादा थी स्लोप कम, स्लोप कम मतलब वेलोसिटी कम, ऐसे मतलब स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी डिक्रीज करना मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट साइन, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, सीधा कॉनकेव अपवर्ड एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो इस तरह के इसके तमाम सवाल बनाए जा सकते हैं, ठीक है, इसके बहुत से सवाल इस तरह से बनाए जा सकते हैं। अब इसमें से पुलता प्रोबेबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा है, तो आप देखते भाई वेलोसिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है और ये कहानी बता देते हैं। कोई लिमिट नहीं है इसकी, जैसे मान लो मैं ये बना दूं, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, हमसे बोले इसका वेलोसिटी कैसा होगा, इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, इसका प्रोबेबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, प्रोबेबल वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो प्रोबेबल जानने के लिए आपको थोड़ी बहुत क्वालिटीज यहां समझ में आ जाए। देखो वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन टाइम सब समझो, यहां से चलो एनालाइज करना आना चाहिए, फिर यहां आ जाओ, तो आप ध्यान से देखो इसमें स्लोप के साथ क्या हो रहा है, ए, ए, और आसानी से, हाँ चलो यहां से देखो खचक ये एंगल, फिर यहां से चलो खचक ये एंगल, फिर और आगे से देख लो, यहां से देखो खचक ये एंगल। तो आप जब ऐसे ऐसे आगे बढ़ोगे तो आप देख रहे हो एंगल क्या कर रहा है, यहां पे इंक्रीज कर रहा है, खचक, देखो पहले ऐसे है
फिर ऐसे, यानी यहाँ पे स्लोप लगातार इंक्रीज कर रही है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अच्छा, स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव? इधर बन रहा है, यानी स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है, यानी वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है। अब वेलोसिटी इंक्रीज करनी है, वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, इंक्रीज करनी है मतलब दोनों का सेम साइन। और सिंपल तरीके से देखो तो कॉनकेव कैसा है? डाउनवर्ड। और कॉनकेव अगर डाउनवर्ड हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी आप बता सकते हो, एक्सेलरेशन टाइम प्रोबेबल बनने को बहुत कुछ बन सकता है। एक्सेलरेशन का नेगेटिव वाला उठाना, वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज कर रही हो तो वेलोसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा वाला ट्रू होगा, नेगेटिव में इंक्रीज ऐसे। अब यूनिफॉर्मली कर रही है कि नहीं ये नहीं पता हो सकता, और किस तरह से, बस नेगेटिव में इंक्रीज। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को आप डील कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जरा सा हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर लें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो यही सारी कहानियां उसमें भी हो जाएंगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ऐसे बना हुआ है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी पॉजिटिव में, और एक्सेलरेशन कितना हो गया जीरो। ऐसे बना हुआ है मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है। अच्छा, फिर इस ग्राफ की कुछ स्लोप देखेंगे, स्लोप क्या हो जाएगी? डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। यानी इस ग्राफ की स्लोप देखो यूनिफॉर्म है, यानी स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। इसी तरह से आप एनालाइज कर सकते हो, बस ये याद रखो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप से वेलोसिटी। यहां मान लो अब इसमें मैं एक ग्राफ सीधा बना देता हूं, वी वर्सेस टी का मान लो ये बना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही, वेलोसिटी पॉजिटिव भी है। अच्छा, स्लोप की बात करें तो स्लोप इसकी कांस्टेंट है और साथ में स्लोप इसकी नेगेटिव है कुचुक। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप देती है एक्सेलरेशन, यानी इसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी और नेगेटिव होगी। अब इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कहे तो आप बना सकते हो कांस्टेंट में नेगेटिव। इस तरह से आप एनालाइज करके सारे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, अंदर चलते जाएंगे तो इसमें कोई लिमिट नहीं बनेगी। जैसे बताते जाएं तो बहुत कुछ है, मैंने आपको मतलब बेसिक ऊपर ऊपर से इसको समझाया। जैसे इसका एक सवाल ले लेते हैं, अपना 2017 मेंस में आया कि अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, ड्रॉ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अपने को चार ऑप्शन दिए इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, बताओ। थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ड्रॉ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बताएं। पहला वाला सोचें, अपने आप बनाते हैं, सोचो आराम से। थ्रोन अपवर्ड्स, तो ये बॉडी है, इसको मैंने ऊपर फेंका, यहां पहुंचना है, तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? पॉजिटिव, और एक टाइम के बाद आके जीरो हो जाएगी। यानी शुरू में वेलोसिटी पॉजिटिव में बहुत ज्यादा और धीमे धीमे ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। यानी एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, यानी स्लोप नेगेटिव हो शुरू में। शुरू में स्लोप नेगेटिव इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। वेलोसिटी शुरुआत में पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, तीनों जिंदा है। एक टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पे भी जीरो हुई, यहाँ पे भी जीरो हुई, यहाँ पे भी जीरो हुई, तीनों जिंदा है। ये वाला तो कैंसिल हो गया, समझ में? वेलोसिटी इंक्रीज कर रही, शुरू में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही। आगे कहानी देखते हैं, जब वेलोसिटी जीरो होगी उसके बाद बॉल नीचे आएगी तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, और वेलोसिटी इस बार इंक्रीज करेगी नीचे आते वक्त, गिरते वक्त बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, यानी एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा, यानी स्लोप भी नेगेटिव होगी। तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जानी चाहिए, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, गया, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव हुई है, यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव, ये दोनों चल रहे हैं।
और वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहिए। यहाँ वेलोसिटी देखो फाइनली आके जीरो हो गई, यहाँ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती वैल्यू वेलोसिटी की बढ़ती जा रही है। एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी स्लोप नेगेटिव हो, यहाँ पे देखो स्लोप पॉजिटिव हो गई, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव, ऑप्शन सी इस करें। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को एनालाइज करके आप ग्राफ को बना सकते हैं। यहीं पे इस रिविजन को हम रोकते हैं, और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये कंप्लीट मटेरियल, क्विक रिविजन था वन शॉट में। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।